काफी सफाई से काम किया है नंदिता। थैंक यू। किसी और के डिजाइन पर काम करना, इट्स नॉट अ जोक। तो हम ये समझे कि आपको ये पसंद आया। पसंद है, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिनल डिजाइन अरुंधति का बनाया हुआ है, और मैं वही डिजाइन किसी और से कैसे ले सकती हूँ। मैडम, अरुंधति ने अपने ये डिजाइन जॉब वर्किंग यूनिट को बेच दिए थे, उन्होंने रिजेक्ट करके हमें बेचे हैं। इसमें अरुंधति बीच में कहाँ से आती है? लेकिन मुझे तो लगता है कि आपको नंदिता के काम को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इन रिजेक्टेड डिजाइन को बहुत अच्छे तरीके से पेश कर दिया आपके सामने। वैसे भी अरुंधति के ओरिजिनल डिजाइन और मेरे डिजाइन में बहुत फर्क है। हाँ, ये तो मैं मानूंगी। तो फिर आप मेरे डिजाइन एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हैं? और वैसे भी आपके और अरुंधति के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि एक निश्चित वक्त में अरुंधति अपना काम पूरा करके आपको दे देंगी, लेकिन वो नहीं दे पाई, तो इस नाते तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया ना। अरुंधति ने खुद ये डिजाइन बेचे हैं और वो इस बात को समझेगी। ओके, आई एक्सेप्ट इट। थैंक यू। थैंक यू। मुझे जितना मालूम था मैंने आपको बता दिया। जी बाहर निकालो। जी बाहर निकालो। क्या झूठ बोल रहा है यार, माय गॉड। देखो, एक दो कितनी इंपॉर्टेंट बातें उसने अपने जबान पर रखी हुई है, बता नहीं रहा है। जी अंदर लो। जी अंदर लो। और मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, तुम यहां पर इस जेल में सड़ रहे हो और असली मुजरिम बाहर हनीमून मना रहा है। मैं जादू से कहकर इस केस का अप्रूवर तुम्हें बनाकर छोड़वा सकता हूं, पर उसके लिए तुम्हें कुछ ठोस सबूत देना होगा। ऐसा सबूत जिससे हम ऋत्विक मुंजाल को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर सके। और अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारा गला दबाकर, जैसी तुम्हारी जीभ पहले बाहर निकली थी, दोबारा से जीभ बाहर आ जाएगी, लेकिन इस बार तुम्हारी जीभ अंदर नहीं जाएगी। देवदास, कानून सबूत मांगता है, तुम हमें सबूत दो, हम तुम्हें रिहाई देंगे। सोचो दास, सोचो। ऋत्विक मुंजाल का ऐसा कौन सा सबूत है जो उसकी बीक का फंदा बन सकता है? कोई लॉकर, कोई सीक्रेट स्टेटमेंट, कुछ तो आ रही है। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो, पर सब कुछ याद करने की कोशिश करना। देखो दास, तुम्हें फैसला ऋत्विक मुंजाल की आजादी और अपनी आजादी के बीच करना है। We'll be right back.